सवाल तीखे। चीन के सैनिकों के साथ 15 जून की रात को हुई झड़प में कर्नल समेत 20 शहीद हो गए। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के 43 सैनिकों की मौत या गंभीर रूप से घायल होने की खबर। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक सैनिकों को एयरलिफ्ट करने के लिए एनएसी पर चीन के हेलीकॉप्टर देखे गए। एनएसी के तनाव पर पीएम मोदी ने रक्षा मामलों की कैबिनेट बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की। राहुल गांधी ने एनएसी के तनाव पर पीएम मोदी से सवाल पूछे। विदेश मंत्रालय ने चीन को एनएसी का सम्मान करने की सलाह दी। संयुक्त राष्ट्र ने एनएसी पर दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की। अमेरिका ने कहा एनएसी के तनाव पर पूरी नजर, शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए। एनएसी पर शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू के घर तेलंगाना में मातम पसरा। सीमा पर कायराना हरकत से देश भर में चीन के खिलाफ गुस्सा। कोरोना पर पीएम मोदी आज ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। भारत और चीन के सैनिकों की झड़प के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। क्या पीएम और रक्षा मंत्री इस बात पर राष्ट्र को विश्वास में लेंगे कि हमारे अधिकारी और सैनिक ऐसे समय में कैसे शहीद हो सकते हैं? बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चीन को सख्त लहजे में चेतावनी दी। I can assure you that under the leadership of Prime Minister Modi, India's territorial integrity will not be compromised. देश में कोरोना के मरीज बढ़कर 3.5 लाख के पार पहुंचे। मुंबई में कोरोना के मरीज बढ़कर 60,000 के पार पहुंच गए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का दोबारा कोरोना टेस्ट होगा। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से अब तक सबसे ज्यादा 93 लोगों की मौत हो गई है। 11 दिन में पेट्रोल डीजल की कीमत में 6 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है।